तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम और चंदन जा रहे हैं शूट पे। तो आज बिरयानी का प्रोग्राम बनाया है। चंदन बोला कि भैया बहुत दिन हो गए बिरयानी खाने चलते हैं। आज संडे भी है, डेट है 12 नवंबर 2022। तो आज हम लोग चलेंगे दोस्तों और बिरयानी का टेस्ट, बट वहाँ शॉप पे बैठ के नहीं, हम लोग टेस्ट लेंगे। हम लोग जाएंगे वहाँ से कहीं घूमने फिरने निकलेंगे। और एक जगह है बहुत अच्छी, रेलवे का किनारा है और नदी का भी किनारा, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे मस्त जगह रहती है, अच्छा लगता है वहाँ पे। तो वहीं पे हम लोग जाएंगे, वहीं पे पार्टी शार्टी करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर। रेडी चंदन, चलें? चलो तो गाइस पहले तो प्रोग्राम बना कि स्कूटी पे चलते हैं, बट बाद में सोचे कार से चलते हैं, फिर उधर से वहाँ दूर भी पड़ेगा। पानी हम लोग घर से ले ले रहे, आरओ का बढ़िया पानी, क्योंकि पानी अच्छा ही पीना चाहिए। और वहाँ से फिर वापसी, फिर इवनिंग में दोस्तों वीडियो भी अपलोड करनी है। और अभी मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह वर्क शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे लीड्स चाहिए और मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टीम बनानी है, कम से कम 2-3 हज़ार लोगों की टीम। और कम से कम 2 हज़ार लोगों की टीम बनानी है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा काम करने के चक्कर में हूँ जो कि हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैंने फेसबुक पे इंस्टेंटली बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है, और यूट्यूब पे तो फ़िलहाल चल ही रहा है। और थैंक यू सो मच जो आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और अच्छा अच्छा प्यारा सा कमेंट देते हो, और सब्सक्राइब भी कर रखा है आप लोगों ने, इसलिए थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों आज बिरयानी टेस्ट करेंगे, क्योंकि संडे को एक दिन हम लोग ऐसा निकालते हैं जिस दिन थोड़ा सा पार्टी शार्टी होनी चाहिए, क्योंकि बोर नहीं होना चाहिए काम से आदमी। तो दोस्तों मैं नहीं गया था लेने के लिए, चंदन मैंने भेजा था और लेके आ रहा है अभी वो। मैंने गाड़ी पार्क करने की यहाँ जगह नहीं थी, इसीलिए मैं गाड़ी में ही था। इन केस कोई आता है गाड़ी हटाने के लिए पुलिस वाला, तो मेरा उसे चलानी नहीं आती, इसलिए लेके आ गया। कितनी लाया? 2। ठीक है। और इस जगह देखिए जंगल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, और गाड़ी हमने लगा दी किनारे। बहुत प्यारी जगह, मस्त जगह है। अभी जंगल वंगल घूम के आए दोस्तों, अब यहीं पे थोड़ा सा बिरयानी का टेस्ट लेंगे रोड के किनारे, मज़ा आएगा। सो गाइस आज हम लोग यहीं पे अपना पार्टी शार्टी करने वाले हैं गाड़ी के अंदर ही, और एक चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे एक दिन, जिस दिन 24 घंटे गाड़ी के अंदर ही रहेंगे। वो अपने भाई है ना, क्या बोलते हैं उनको, क्या नाम उनका, जोशी भाई, उन्होंने एक चैलेंज दिया था कि 24 आवर इन कार। तो 24 घंटे कार में बिताने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे उसको शूट करें। आप लोग कमेंट करें, बताइएगा कि वो शूट करें नहीं करें। स्पून नहीं लाया? खाएगा कैसे? वैसे वहाँ भीड़ इतनी थी यार, वो तो स्पून लेके आना था ना। तो गाइस ये रही हम लोग की बिरयानी, जल्दी जल्दी में दिया ही नहीं, ये स्पून नहीं लेके आया, और अब इसे हाथ से टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए पीस वीस तो अच्छे लेके आया है, लुक पीस वगैरह तो अच्छे लेके आए। टेस्टी है, मस्त है। मस्त है। 4 आवर के लिए क्या करेंगे ना, जाड़े मौसम है ये हल्का, ठीक है, नवंबर चल रहा है, तो खाने पीने चीज़ें रख लेंगे, पानी वानी रख लेंगे, और पीछे ही सो जाया करेंगे, 24 आवर क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारी बिरयानी, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ खास करके फेमस है बिरयानी के लिए। ये गजब की बिरयानी दोस्तों, और इसमें पीस बड़े अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं। चलिए इसके टेस्ट लेते हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे, किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करेंगे, कार के अंदर ही 24 आवर दिखाएंगे। तो अभी हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, और हाथ से ही सिखाना पड़ रहा है। तो वीडियो 24 घंटे की हो जाएगी पूरी? नहीं, अच्छा उसको स्पीड में एडिट करना है, फास्ट कर देंगे, हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। सो गाइस बिरयानी बहुत टेस्टी थी, चंदन अभी भी लगा पड़ा है खाने में और हाथ से ही खा रहा है। कैसा लग रहा है? मस्त है, हाथ से ही खा। ऐसा मैंने बोला है बिरयानी लेके आने के लिए साथ में चम्मच देता है, बट हाथ से ही खाना पड़ा। तो गाइस आज लकड़ी पे आग पे जली हुई चाय पियेंगे। तो गाइस बिरयानी के बाद जा चुकी चाय, क्या टेस्ट है यार,
बहुत टेस्टी चाय है, उत्तम। और चूल्हे पे पकी हुई चाय बहुत अच्छी लग रही है। कितने की अंडी है? 7 रुपये की चाय, मात्र 7 रुपये की चाय, इतनी टेस्टी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और आग पे पकी हुई बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये लीजिए। चले आप। तो गाइस चाय पी ली हम लोगों ने, अब यहाँ से वापस चल रहे हैं, यहाँ से बस वापसी चल पड़े हैं अभी हम लोग।